अब राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या खास तैयारी की गई है उसे भी जान लीजिए। दिल्ली में 1000 बेड वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसे भारतीय आर्म्ड फोर्सेस और DRDO ने टाटा संस के साथ मिलकर तैयार किया है। खास बात यह है कि ICU का नाम गलवान में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के नाम पर रखा गया है। 1000 बेड का ये कोविड सेंटर दरअसल गलवान के बलवानों यानी गलवान के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि है, देश की DRDO की और साथ में आर्म फोर्सेस की, जिन्होंने बेहद बहादुरी के साथ गलवान के इलाके में चाइनीज PLA के हौसलों को पस्त किया, उनको पीछे की तरफ ढकेला। ये कुल मिला के 250 ICU वार्ड्स हैं और यहाँ पर पूरे इक्विपमेंट और साजो सामान के साथ एक प्राइमरीली और साथ में अगर कोरोना से ग्रसित कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है और उसको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अनुसार हर एक पैरामीटर्स के को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड AC साथ में वेंटिलेटर्स और जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया गया है। इस हॉस्पिटल में DRDO के बनाए हुए सारे इक्विपमेंट, जितने भी DRDO ने 70 से ज्यादा इक्विपमेंट बनाए हैं, सारे इक्विपमेंट भी यूज में आ रहे हैं। ये कर्नल संतोष बाबू जो कि हमारे शहीद थे गलवान में, उनके नाम पर ये ICU रखा गया है, जिसको कि DRDO और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये एक तरह से श्रद्धांजलि देना चाहता है एक वीर सैनिक को, कर्नल संतोष बाबू जो 16 बिहार के शहीद हुए, इसलिए उनका नाम बहुत अप्रोप्रिएटली हमने यहाँ पे रखा है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी याद में। अब राजधानी दिल्ली समेत बाकी राज्यों में कोरोना का क्या हाल है उसे भी जान लीजिए। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 2008 नए मामले सामने आने के बाद अब कुल केस 1,02,000 के पार जा चुका है, तो वहीं तमिलनाडु में 3,616 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना का कुल केस 1,18,000 के पार जा चुका है। गुजरात की बात करें तो यहां 778 नए मामले सामने आए और कुल केस 37,600 के पार जा चुका है। UP में मंगलवार को रिकॉर्ड 1,332 नए मामले सामने आने के बाद कुल केस 30,000 के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि देश में एक्टिव केस के मुकाबले रिकवर हुए मरीजों की संख्या करीब दो गुना है।